नेटफ्लिक्स के इंडिया में फेल रहने के तीन बड़े रीजन। नंबर वन, प्राइसिंग। जब नेटफ्लिक्स इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ था तो इसका मिनिमम पर मंथ प्राइस था 499 रुपीस का। बट इंडियंस एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए हर महीने इतने पैसे खर्च कर दें, ये इम्पॉसिबल है। तो इसके बाद नेटफ्लिक्स ने यही सेम प्लान 499 रुपीस से कम करके 199 का कर दिया। बट अभी करीब एक दो महीने पहले नेटफ्लिक्स ने यही सेम प्लान 50 रुपए और कम कर दिया है, मतलब कि 149 का। रीजन नंबर टू, अनेबल टू प्रोवाइड बंडल डील्स। अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार आपको मूवी सीरीज के साथ साथ टीवी सीरियल्स एंड स्पोर्ट्स कंटेंट भी प्रोवाइड करता है। अमेजोन प्राइम अपने जबरदस्त पॉपुलर मूवीज एंड शोज के साथ साथ ई कॉमर्स सर्विसेज एंड अमेजोन म्यूजिक फ्री में प्रोवाइड करता है, जबकि नेटफ्लिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड रीजन नंबर थ्री, लैक ऑफ वेरियस लैंग्वेज कंटेंट। हॉटस्टार एंड अमेजोन प्राइम, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ये हिंदी इंग्लिश के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम ऐसे रीजनल कंटेंट पर भी काफी फोकस करते हैं। बट नेटफ्लिक्स पर रीजनल कंटेंट की तो दूर की बात, बल्कि अगर हिंदी हिट शोज की भी बात करें तो नेटफ्लिक्स अभी तक सिर्फ एक ही हिंदी हिट शो दे पाया है, वो है सेक्रेड गेम्स, जो कि 2018 में आया था।